दुर्गेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। जानते हैं आज का अपडेट क्या है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018। आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट अगले हफ्ते आएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी अगले हफ्ते ग्रुप डी एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। फिलहाल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डेट की ऑफिशियल घोषणा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट 10 से 15 फरवरी के बीच घोषित हो सकता है। आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आरआरबी की सभी क्षेत्रीय वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम रेलवे बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है। यह एग्जाम 17 सितंबर को शुरू होकर 17 दिसंबर 2018 तक चला था। इसके जरिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने 62,907 पदों को भरने जा रहा है। इस एग्जाम में करीब 1,89,00,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस एग्जाम के आसार की पहली ही जारी हो चुकी है। अगले हफ्ते तक केवल लिखित एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और इसके बाद भी अभ्यर्थियों को चयन के अगले चरणों से गुजरना होगा। रिजल्ट के बाद आवेदकों को फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना होगा। रेलवे ग्रुप डी CBT में जो उम्मीदवार पास होंगे उन्हें PET परीक्षा में बुलाया जाएगा। महिला व पुरुष उम्मीदवारों के लिए PET की शर्तें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। PET पुरुष उम्मीदवारों के लिए एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी। 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेलवे से संबंधित पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें।